आज के प्रातः क्लास है 7 जून 1964। रिकॉर्ड चला है हमारे तीर्थ न्यारे हैं। मीठे मीठे वसीकिले बच्चों ने अपनी महिमा सुनी। हमारे तीर्थ न्यारे हैं, इसमें अपनी महिमा क्या है कि और दुनिया वालों के जो तीर्थ हैं, तीर अर्थात पार किनारा लगाने वाले नहीं हैं, और हमारे तीर्थ एक किनारे एक ठिकाने लगाने वाले हैं। हमारी बुद्धि एक ठिकाने लग जाती है। तीर माने किनारा, था माने स्थान, अर्थात ऐसा स्थान जहां हमारी बुद्धि को किनारा मिल जाए, ठिकाना मिल जाए। तो बाप ने समझाया है कि भारत ही पापात्मा कहलाता है, भारत ही पुण्यात्मा कहलाता है। भारती पतित पावन को बुलाते हैं, जबकि पापात्मा है तो बुलाते हैं। सतयुग में तो पतित होते ही नहीं। उस सतयुग को कहा जाता है स्वर्ग, शिवालय। क्यों कहा जाता है? क्योंकि वहां सब स्वस्थिति में रहने वाले हैं। आत्मिक स्थिति में रहने वाले हैं। कोई भी ऐसा नहीं है जो प्रकृति अथवा माया के पराधीन रहने वाला हो, तो स्वस्थिति में रहते हैं, इसलिए उनका नाम स्वर्ग है। शिवालय इसलिए कि वो शिवालय शिव के द्वारा स्थापन किया हुआ है। अभी तो वैश्यालय है, ये सारा भारत वैश्यालय है। आलय घर को कहा जाता है, तो वैश्यालय माने वैश्याओं का घर है। जिस वैश्यालय में बड़े बड़े नामी ग्रामी अजामिल जैसे पापात्माएं रहते हैं। पापात्माओं में उस मुख्य पाप आत्मा का नाम क्या दिया? आजा। आजा माने बकरी, मिल माने मिल गया। था तो शेरों की कुल का औलाद का, लेकिन मेल मिलाप कर लिया बकरी भेड़ बकरियों से। तो मशहूर है अभी भारत वैश्यालय है। एक सूरदास की भी कहानी है कि सर्प को पकड़ करके और ऊपर वैश्याओं के पास जाता था। आप सर्प को पकड़ करके कैसे जाएंगे? ऐसे कोई सर्प को पकड़कर ऊपर नहीं जाते हैं।
ये कहानी बनाई दी है। तो ये कथा कहानियां जो शास्त्रों में बनाई हुई हैं, वो कहाँ की यादगार हैं? संगम युग की यादगार हैं, जरूर। सर्प किसे कहा जाता है? काम विकार को ही सर्प कहा जाता है। काम विकार का आसरा लिया और बाप को याद किया। मन लगा हुआ है बाप में और कर्मेंद्रियां लगी हुई हैं वैश्याओं में, तो ऊपर जाएंगे कि नीचे जाएंगे? मन लगा हुआ है बाप की याद में और तन की कर्मेंद्रिय मुख्य काम में कामेंद्रिय है ना, जो नीचे ले जानी पतित बनाने वाली है, वो लगी हुई है वैश्याओं में, तो आत्मा नीचे जावेगी या ऊपर जावेगी? अरे हैं, चक्कर में पड़ गए। मन के बगैर कोई भी इंद्रिय रस भोगती है, हैं? महबूब कारखाने में जा रहा है, महबूबा को याद करते हुए जा रहा है, कारखाने में पहुंचा, उससे किसी ने पूछा तुमने रास्ते में किसको किसको देखा, वो कहता किसी को नहीं, मैं तो अपने महबूबा की याद में था। तो रास्ते में आया तो खुली आंखों से आया या बंद आंखों से आया? तो आंखों ने देखा या नहीं देखा? लेकिन मन कहाँ था? हैं? मन, मन महबूबा में था। तो मन जहां होता है वहीं देखा, या तन की कर्मेंद्रियां जैसे आंख है, आंख ने देखा? दसों कर्मेंद्रियां, नाक कान पांच ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां पांच, ये तब ही अपना काम करेंगी जब मन उनको सहयोग देवे। अगर मन सहयोग नहीं देता है तो कर्मेंद्रियां अपना कार्य नहीं कर सकती और उनका पाप पुण्य भी नहीं लगेगा। तो ये एक कहानी बनाई दी है कि सर्प को पकड़ करके ऊपर जाता था, अब ये कहानी लौकिक दुनिया के हिसाब से झूठी है या सच्ची है? अगर सर्प की पूंछ पकड़े तो सर्प तो उलट करके उसके नाक में मार देगा, ऐसे हो सकता है क्या? ऐसे होने की बात नहीं है, परंतु दिखाते हैं कि ऐसे ऐसे विकारी हैं जो वैश्याओं के पिछाड़ी सारा धनमाल खोए देते हैं। बच्चे जानते हैं ये पाप आत्माओं की दुनिया है। कौन सी? भारत पाप आत्माओं की भूमि है। सतयुग में या कलयुग में? कलयुग में पाप आत्माओं की भूमि है और भारत में इस समय ही बहुत दान पुण्य करते हैं। इस समय तुम बच्चे भी बाप को तन मन धन सब कुछ दे देते हो, तुम्हारे आगे मिसाल भी है। ये बाबा जो निमित्त बना है, क्योंकि समझते हैं जैसे कर्म मैं करूंगा मुझे देख करके और करने लग पड़ेंगे, तो बाप कहते हैं मैं इनसे ऐसा कर्म कराता हूं जो स्वर्ग में भी नंबर बना आता है, क्योंकि इसने
तन मन धन दे दिया। जब से ऐसे किया और फौरन अष्टो मुहा बन गए। अपने बच्चों को भी वारिस न बनाए, इन माताओं को बना दिया, सब कुछ माताओं के हवाले कर दिया, ट्रस्टी बनाई दिया। बोला, ये सब कुछ तुम्हारे हवाले है, तुम वारिस बन जाओ बस। इन्होंने कुछ भी ख्याल नहीं किया, हम तो बाबा के बन जाते हैं, भक्ति मार्ग में जन्म बाई जन्म गाते आए, बारी जाऊं, मेरे तो एक शिव बाबा दूसरा न कोई, तो अब मैं इन माताओं को अपना वारिस बनाता हूं, इन माताओं द्वारा ही सृष्टि का कल्याण होना है। पहले माता को अपना गुरु बनाई दिया, माता को गुरु बनाई दिया, भगवान को गुरु बनाना चाहिए या माता को गुरु बनाना चाहिए? है भगवान को, इन्होंने क्यों बनाई दिया माता को गुरु? इन्होंने माने किन्होंने? ब्रह्मा बाबा ने पहले माता को अपना गुरु बनाई दिया, माने एवर लास्टिंग तो भगवान को ही बनाया, लेकिन पहले पहले बाबा के डायरेक्शन के अनुसार पवित्रता का गुरु सीखने के लिए, पवित्रता की विरुद्ध पूरी करने के लिए माताओं को गुरु बनाया। क्यों? जब भगवान पुरुष तन में आते हैं, स्त्री चोले में तो आते नहीं है, तो माता को गुरु क्यों बनाई दिया? भले भगवान पुरुष तन में आते हैं, परंतु सब पुरुष दुर्योधन दुशासन हैं, वो अपवित्रता के ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकते, पूरी पवित्रता पालन नहीं कर सकते, और कन्या माता कर सकती है, इसलिए माता को गुरु बना दिया। बस एक बाबा का डायरेक्शन है ना, माताओं को आगे करो, तो एक बाबा दूसरा ना कोई नहीं, तो बच्चों आदि में वो तो होता है ना, परंतु एकदम उनसे दिल टूट गई, बाप से दिल लग गई। बेहद का वर्षा लेना है तो हद का सब कुछ देना पड़े, परंतु बाप तो दाता है, वो कब लेते नहीं है, शिव बाबा तो देने वाला है, डायरेक्शन देंगे, ऐसे ऐसे करो, तो ये माताएं गुरु बन जाती हैं। गायन भी है, तुमेव माता च पिता त्वमेव, किसका नाम पहले आया? माता का नाम पहले आया, तो सतयुग में भी पहले है लक्ष्मी, फिर नारायण, पहले राधा, फिर कृष्ण। तो फिर जैसे बाप माताओं को उठाते हैं, वैसे मिल्स को भी माताओं को उठाना है, उन्हों की संभाल भी करनी है, किससे संभाल करनी है? हैं? माताओं की संभाल किससे करनी है? कन्याओं माताओं की संभाल करनी है कीचकों से, बेचारी अबलाएं हैं, पुरुष तो प्रबल होते हैं, तन से भी प्रबल होते हैं और मन से भी प्रबल होते हैं और धन में भी कलयुगी दुनिया में प्रबल होते हैं, उन दुर्योधन दुशासनों को बिख न मिलने से बहुत मारते हैं। तो ये ज्ञान नदियां हैं,
ये ब्रह्मपुत्र नदी है जिसका छोर सागर में होता है। कलकत्ता में ब्रह्मपुत्रा नदी है ना, शिव जयंती पर वहां बड़ा भारी मेला लगता है। ब्रह्मपुत्र नदी सागर के संगम पर सब यात्रु जाते हैं, वहां जाकर के स्नान करते हैं। बीच में तो शिव बाबा है ज्ञान सागर, और फिर ये ब्रह्मा नदी। ब्रह्मा नदी क्यों कहा? ब्रह्मा नदी या ब्रह्मपुत्रा नदी? अभी तुम आए हो ब्रह्मा नदी शिव सागर की मेले पर। अभी माने कब? कौन से सन की मुरली है? है? अभी माने 64 की बात। उस समय गंगा सागर का मेला नहीं कहेंगे, ब्रह्मपुत्रा और सागर का मेल नहीं कहेंगे, किसका मेल कहेंगे? ब्रह्मा और सागर का मेल। तो ब्रह्मा नदी शिव सागर के मेले पर तुम आए हो, परंतु वो सब हैं ज्ञान की बातें। तुम ज्ञान सागर से निकले हो, ज्ञान सागर से ही सबका कल्याण होना है, पानी की तो बात नहीं है। ये ब्रह्मपुत्र है शिव बाबा की संतान, तीर्थों का राज भी तो समझते हो, तुम्हारा बुद्धियोग का तीर्थ है, कोई स्थूल तीर्थ तो है नहीं। बुद्धियोग लगाते हैं परमपिता परमात्मा के साथ, भक्ति मार्ग में तो यहां ही माथा मारते हैं। बाप से बुद्धियोग नहीं लगता, लगता है बाप को जानते ही नहीं। बाप तो एक ही बार आकर के मत देते हैं कि मेरे साथ योग लगाओ, ऐसे और कोई भी नहीं कह सकता। एक ज्ञान सागर बाप ही कहते हैं, वही सुख का सागर है, आनंद का सागर है। तो हरेक की महिमा अलग अलग है। ऊंचते ऊंचे है भगवान, वो पतित पावन है, वो एक है, सर्वव्यापी नहीं है। पतित दुनिया को पावन बनाने का पार्ट बजाए रहे हैं, खुद भी कहते हैं, कल्प कल्प आकर के सच्चे तीर्थ पर ले जाता हूं। सब भक्त पुरुषार्थ करते हैं मुक्ति के लिए, सन्यासी निवृत्ति मार्ग वाले मुक्ति मुक्ति कहते हैं। वो तो समझते हैं कि सुख कागविष्टा समान है, एक पाई का सुख बाकी है, दुख स्वर्ग में तो नहीं होगा। बाप ने समझाया है, वो निवृत्ति मार्ग का रजोगुणी हद का सन्यास है, और ये है सतोगुणी बेहद का सन्यास। हमको तो सारी छीछी सृष्टि से बदल नई सृष्टि में जाना है। हम देवताएं बनते हैं, लक्ष्मी का आवाहन करते हैं तो कितनी सफाई करते हैं, क्या करते हैं, हैं? किस चीज की सफाई करते हैं? दीपावली पर लक्ष्मी का आवाहन करते हैं तो सफाई करते हैं ना घर की, तो किसकी सफाई हो जाती है? कीड़े मकोड़ों की सफाई हो जाती है। वो तो हद के कीड़े मकोड़े हैं, है कहां की बात, है संगम युग में क्या बात है, कौन है कीड़े मकोड़े?
अरे जो ज्ञान नहीं समझते हैं, विकारों में ही डटे रहते हैं, वो ही कीड़े मकोड़े हैं। उन कीड़ों मकोड़ों को ब्राह्मणों के परिवार से निकल करके बाहर जाना चाहिए, या अंदर ही बने रहेंगे तो स्वर्ग स्थापन होगा, बाहर हो जाना चाहिए। तो झाड़ू लगाते हैं ताकि वो कीड़े मकोड़े सब बाहर निकल जाएं। अभी तो बेहद की बात है, वो तो हद की सफाई करते हैं, हद के कीड़े मकोड़ों को भगाते हैं। ये तो ह्यूमन कीड़े मकोड़ों को भगाने की बात है। सारी दुनिया ओवरहाल होनी है, पांच तत्व भी तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाते हैं, फिर वहाँ तो नेचुरल वैभव रहते हैं, फूल आदि ही ऐसे होते हैं सतो प्रधान, जिन फूलों की घर बैठे भी सुगंध आती रहेगी। जैसे आज की दुनिया में भी कोई कोई फूल ऐसे हैं तीखी सुगंध वाले, जैसे रात की रानी दरवाजे पर लगी हुई हो तो उसकी सुगंध मोहल्ले में जितने भी घर होंगे सब में घुसेगी, तो घर बैठे ही सुगंध आती रहती है। इत्र आदि लगाने की कोई दरकार नहीं, अगरबत्ती की दरकार ही नहीं रहती, नेचुरल खुशबुएं आती हैं। स्वर्ग का नाम लेने से ही अभी देखो मुख मीठा हो जाता है। बुद्धू लोग समझते नहीं है कि स्वर्ग है। 7 से 64 की वाणी का दूसरा पेज, तो देखो बाप नित नया कितना अच्छा ज्ञान समझाते हैं। परमात्मा ये लकी सितारे को कितना ऊंच बनाते हैं, तो ऐसे बाप से कितना लव करना चाहिए। प्रॉमिस है बाबा, हम नष्ट मोहा हो आपसे योग लगावेंगे, आपको ही वारिस बनावेंगे। हर एक को अपनी कमाई करनी है, जो कमाई करेगा सो पावेगा। इस दुनिया में मनुष्य जो भी करेंगे पाप ही करेंगे, तो फिर क्या करें। इस दुनिया में मनुष्य जो भी करेंगे तो पाप ही करेंगे, तो अब हम क्या करें, हम तो इसी दुनिया में रहे पड़े हैं, या मर के दूसरी दुनिया में चले जाएं, क्या करें। जीते जी मर कर जो बाप ने दुनिया दिखाई है तीसरे नेत्र से, स्वर्ग की नई दुनिया, बाप का घर परम धाम, और ये ज्ञान की दुनिया, तो हम तो इस दुनिया को ही छोड़ देते हैं बुद्धि से। अभी बाप के पास बलि चढ़ने से तुम श्रीमत पर चलेंगे, क्या कहा, श्रीमत पर कब चल सकेंगे पूरा पूरा, जब बाप पर पूरा बलि चढ़ेंगे। धन हमेशा पात्र को दिया जाता है, ये दुनिया तो पापात्माओं की है, तो किसको दान करेंगे हैं? सारी दुनिया को पात्र है, सब पापात्मा है, तो दान किसको करें, शिव बाबा को ही करें। अगर कोई शराबी को दान दिया तो फिर उन पर दोष आ जाता है, है? यहाँ ज्ञान में चलने वाले किसी शराबी को ज्ञान दान देते हैं क्या, है? फिर ये शराबी का नाम क्यों लिया है? ज्ञान में चलने वाले जो भी ब्राह्मण हैं उनमें शराबी वो हैं जो दृष्टि से व्यभिचार करते हैं, वो हैं बेहद के शराबी। ऐसे कपूत बच्चों को दिया तो उसका पाप भी सिर पर आ जाएगा। बाप की पहचान है नहीं, बीके में क्या करते हैं, जो बैठ संदली पर दृष्टि देते हैं कन्याओं माताओं को,
उनको बाप की पहचान है, हैं? बाप की पहचान है नहीं, और दृष्टि देते लेते हैं, तो दृष्टि का व्यभिचार करते हैं या दृष्टि से सृष्टि सुधारते हैं, व्यभिचार करते हैं। ऐसे शराबी को ध्यान दिया तो पाप सिर पर आ जाएगा, इसलिए सरेंडर होकर के हिसाब किताब चुकतू करो। सरेंडर हुए फिर अलाउ नहीं करेंगे किसको देने के लिए। अगर दिया तो पाप बन जाएगा। हाँ, कन्या ज्ञान में नहीं चलती है तो उसको तो देना ही पड़े। अगर स्वर्ग का मालिक नहीं बनती है तो नर्ग में गोता खाना चाहती है तो बाप कहते हैं अभी छोटे बड़े सभी का मौत है, वो याद और कौरव अपना प्लान बनाए रहे हैं, पांडवों का प्लान अपना है। जीत तो आखिरी पांडवों की हुई ना, बाकी स्थूल लड़ाई की कोई बात नहीं है, ये तो योग और ज्ञान की बात है। जो कुछ शास्त्र आदि पढ़ते हैं उन सब को भूल जाओ, फिर नए सिरे बैठे पढ़ो। क्या कहा, क्या पढ़ो नए सिरे हैं? अभी शास्त्रों के पढ़ने की बात बताई ना, कि जो कुछ शास्त्र आदि पढ़ते हैं उन सब को भूल जाओ। क्यों भूल जाए? क्यों? शास्त्रों के उल्टे इंटरप्रिटेशन, उल्टी व्याख्या की हुई है, इसलिए अभी फिर तुम नए सिरे बैठ करके पढ़ो। बाप उन शास्त्रों का सार समझाते हैं, जीते जी मरकर फिर बच्चा बनेंगे तो पुरानी बातें सब भूल जाएंगे। तुम छोटे बच्चे हो, बाप कहते हैं अब तुम हमारे बन, हमसे सीखो। क्या कहा, तुम छोटे बच्चे हो, ये क्यों कहा? कब की बात है, हा? छोटे बच्चे ज्ञान समझेंगे क्या? नहीं तो फिर क्यों कहा छोटे बच्चे हो? 64 की वाणी है ना, 64 में बाप सिखाते थे या अम्मा सिखाती थी? सिखाने वाला कौन था? अरे बाप का अम्मा का रूप था या बाप का रूप था? ब्रह्मा माँ का रूप था। तो बोला तुम छोटे बच्चे हो, बाप कहते हैं अब तुम मेरे से सुनो, हमसे सीखो। अपन को अभी तुम छोटे गोद का बच्चा समझो, वो कोई ज्ञान सुनेगा नहीं। बच्चों को बाप बैठ पढ़ाते हैं ना, उनमें छोटे भी हैं बूढ़े भी हैं, सबको बच्चा बनाए देते हैं, और गुरुओं आदि द्वारा जो कुछ सुना है वो सब भूलते जाओ। हियर नो इविल सी नो इविल, कोई मनुष्य की बात ना सुनो। मनुष्य जो कुछ बोलेंगे सो अनराइट, यस रांग ही बोलेंगे। सबसे बुरे ये गुरु लोग हैं जो कहते हैं ईश्वर सर्वव्यापी है। अरे बाप सर्वव्यापी, फिर तुम बाप से वर्षा कैसे लेंगे? फिर तो सब ही बाप हो जाएंगे। शिवो हम तत्त्वम कह देते, वर्षे की बात ही नहीं ठहरती। सबको उल्टा रास्ता बताए, डुबोए दिया है। पतित कौन बनाते हैं? रावण की मत पर चलने से पतित बनते हैं, रावण की मत पर चलने वाले गुरु गोसाई। इसलिए बाप कहते हैं सबको भूलो, माँ में कम याद करो। आप मरे, मर गई दुनिया, समझो कब्रिस्तान तो बनना ही है। प्रैक्टिकल में ये पुरानी दुनिया खत्म होनी ही है, प्रैक्टिकल में खत्म होने का क्या मतलब हुआ?
प्रैक्टिकल शरीर के साथ होता है या शरीर नहीं रहता है तब होता है? तो प्रैक्टिकल में सारी दुनिया खलास हो जाएगी, इसका मतलब ये शरीर सब खलास हो जाएंगे। कब्रिस्तान बनना है फिर परिस्तान बनेगा, बॉम्ब्स गिरेंगे सारा कब्रिस्तान बन जाएगा, फिर नया बनेगा। हिरोशिमा देखो अब कितना नया बन गया है। क्या नाम दिया है ये हिरोशिमा का नाम क्यों दिया? हीरो माने हीरो की, शमा माने रोशनी देने वाली मसाल होती है, उसको कहते हैं शमा। तो जब दुनिया में भी विनाश होगा तो माणिक मोती पन्ना आदि बचेंगे या हीरे जैसी आत्माएं बचेंगी? जो हीरे जैसी हीरो पार्ट बजाने वाली सूर्यवंशी आत्माएं हैं वो बचेंगी, इसलिए हीरों की क्षमा का मिसाल दिया। हीरो सीमा में बॉम्ब गिरा, अभी देखो कितना नया बन गया। तो ये सारा भारत खास और आम दुनिया पहले कब्रिस्तान बनती है फिर परिस्तान बनती है, समझो ये सब मरे पड़े हैं। तो अब परिस्तान बैकुंठ के लिए पुरुषार्थ करना चाहिए, तो बच्चे समझते हो अब बाप दादा आए हैं, शिव बाबा ब्रह्मा के रथ पर आए, रथी बनते हैं। ऐसे नहीं कृष्ण कोई अर्जुन का रथी बना, नहीं, परमपिता परमात्मा इस रथ पर बैठ सुनाते हैं। बाबा तो बहुत बिजी रहते हैं, मैं आया हूं पति दुनिया को पावन बनाने, तो मुझे कितना रूप धारण करना होता है। क्या मतलब है? जैसे बहुरूपिया रूप बदलते रहते हैं, लाल पीला काला मुंह बनाते रहते हैं, तो क्या ऐसे करते हैं बाबा? नहीं, बाबा तो बिंदी है, एक शरीर छोड़ दूसरे में सेवा करने के लिए प्रवेश करते हैं, तो बहुत बिजी रहते होंगे। बाबा तो है ही जागती ज्योति, आत्माओं की ज्योति आकर के जगाता हूं योग से, मेरे साथ योग लगाओ, ये पेट्रोल डालो तो बैटरी जग जाएगी, दीवा बुझ जाता है तो गड़गड़ी गिरते डालते हैं ना। तो बाबा कहते हैं आप पूरा योग लगाओ, ये तो जानते हो बाप इस ब्रह्मा के तन से हमको पढ़ाने आया है। भगवान वाच, भगवान क्या कहते हैं मुझे याद करो। मौत तुम्हारे सिर पर खड़ा हुआ है, छोटे बड़े सब का मौत है, ये मृत्यु लोक है। अभी मैं अमरनाथ आया हूं तुमको अमर कथा सुनाने, तुम पार्वतियां अथवा सीताएं ठहरी, सब रावण की जेल में हो, शोक वाटिका में पड़े हो। बाप फिर अशोक वाटिका में ले जाते हैं, वो अशोक वाटिका में वहां कोई शोक नहीं रहता। अभी तुम बच्चों को राइट रंग समझने की बुद्धि मिली है, रंग क्या है, राइट क्या है, पुण्य कैसे होता है, पाप कैसे होता है, ये तुम ही जानते हो। योग में रहने से तुम पुण्य आत्मा बनेंगे, योग टूटा और माया पाप करा देगी, क्योंकि इस समय माया बहुत तमो प्रधान है, इसलिए कदम कदम पर सावधानी चाहिए। श्रीमत पर चलने में कोई नुकसान नहीं है, मनुष्य भगवान का कसम उठाते हैं। ये बाप कहते हैं मैं आया हूं तुमको शिक्षा देने के लिए, तो मेरे बच्चे प्राणों से प्यारे हो, जानता हूं तुम बहुत दुखी बने हो, अब तुमको सुख की दुनिया में ले चलने आया हूं। सगे और सौतेले का राज भी समझाया है, सगे पर बाप का ध्यान रहता है
सगे राजाई का वर्षा लेते हैं और लगे बच्चे तो लगे भी है ना, सगे भी बच्चे होते हैं और लगे भी बच्चे होते हैं। तो सगे तो बाप का ध्यान रहने से बाप का वर्षा ले लेते हैं और जो लगे बच्चे होते हैं वो राजा ही प्राप्त नहीं करते, वो क्या प्राप्त करते हैं, वो प्रजा वर्ग में चले जाते हैं। 7664 की वाणी का तीसरा पेज। इतनी डीटी किंगडम स्थापन हो रही है, तुम राजा ही पाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। पहले पहले बात है पवित्रता की। अगर भोग विकार का विकल्प आया तो कर्मेंद्रियों से नहीं करना चाहिए, मन में आए तो कोई बात नहीं भगा दो। क्रोध आया मुख से गुस्सा नहीं करना चाहिए। अगर तुम्हारे में भूत होगा तो फिर लक्ष्मी को बारेंगे कैसे। जिनमें 5 विकार हैं उन्हें बंदर कहा जाता है। बाबा ने बंदर के बदले अपनी नलनी बच्ची की फोटो दे दी, टाक नो इविल सी नो इविल का चित्र बनवाया है। उस नलनी बच्ची को बाप ने सेंटर खोल दिया है। जो कुछ पूंजी थी सब कुछ बच्ची को दे दिया। जैसे बाबा ने सब माताओं को दे दिया वैसे इसने अपनी बच्ची को दे दिया। समझा, ये भी कन्या है, क्यों ने इनसे शुभ कार्य कराऊं। बच्चे ने ये कहा मैं शादी नहीं करूंगी, वो पैसा इस कार्य में लगा दो। तो हम पति दुनिया को पावन बनाने की सर्विस करूंगी। कर्जा लेकर भी बच्ची को सेंटर खोल करके दिया और अभी देखो खुद भी बैठे हैं, बच्चे भी बैठे हैं। बल बच्चे भी हैं, वारिस बच्ची को बनाई दिया तो इनका कितना ऊंच पद हो जाएगा, बहुत ऊंच पद पावेंगे। बहुतों की आशीर्वाद उनके सिर पर आवेगी क्योंकि गॉडली हॉस्पिटल अथवा गॉडली कॉलेज खोल दिया है। इस समय मनुष्यों की चलन ही ऐसी है जो पैसे सब पाप में लगाए देते हैं, पाप करते और कराते रहते हैं, बिल्कुल ही पाप आत्मा बन पड़े हैं। अब बाप कहते हैं बच्चे मेहनत करो, पापों का बोझा बहुत है, निरंतर याद करने का पुरुषार्थ करो, जो अंत में वो अवस्था रह जाए। सन्यासी भी ऐसे बैठे बैठे रह जाते हैं, समझते हैं हम जाकर के ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, बस ऐसे कहते कहते शरीर छोड़ देते हैं। ऐसे भी होते हैं, फिर आसपास सन्नाटा हो जाता है। ये बाबा अपने अनुभव की बात सुनाते हैं, अनुभव भी होता है ना। बाप कहते हैं तुम बच्चे हो सृष्टि की पाप आत्माओं को पुण्य आत्मा बनाने वाले, सच्ची सच्ची ज्ञान गंगाएं हो, गंगा के किनारे पर देवताओं का मंदिर दिखाया है, नाम दिया है गंगा। अब पानी की नदी तो नहीं पतित पावन बनावेगी, न देवताएं पतित पावन है। पतित पावन तो तुम ब्राह्मण हो, उन्होंने गंगा पर देवता का चित्र रख दिया है। देवताएं तो पतित को पावन नहीं बनाते हैं। मनुष्य को तो यह ज्ञान ही नहीं जो कोई कुछ उनसे पूछ सके, कहां वो पानी की नदी, कहां ये देवताएं। इस समय तो तुम ज्ञान गंगाओं से ज्ञान स्नान करते हो तो वो देवता बन जाते हैं। तुम्हारी सर्विस ही है मनुष्य देवता बनाने की। यहां आत्मा पवित्र बन जाती है। आत्माओं को इंजेक्शन चाहिए। सन्यासी लोग स्नान करने जाते हैं, तुम उनसे जाकर प्रेम से पूछो, गंगा अगर पतित पावनी है तो गोया तुम पतित हो, तब तो यहां आए हो,
तब तो स्नान करते हो पावन बनने के लिए। तुमको मालूम है सन्यासी लोग क्या कहते हैं, इस बात का क्या जवाब देते हैं? बोलते हैं आत्मा तो पतित होती ही नहीं, ये शरीर पतित है, गंगा पतित पावनी है, परंतु पाप आत्माओं के स्नान करने से ये गंगा पतित बन गई है, इसलिए हम गंगा में पांव डालते हैं तो गंगा पावन बना बन जाती है। हम कोई पतित थोड़े ही हैं जो गंगा में पतित से पावन बनने के लिए स्नान करने आए हैं। तो बाबा इन सब बातों का अच्छी रीति अनुभवी है। बाबा के गुरु तो बहुत थे, तुम बच्चों ने इतने गुरु नहीं किए होंगे। पाप आत्मा ही जास्ती गुरु करती है, क्या कहा है? तुम बच्चों ने इतने गुरु किए नहीं होंगे क्योंकि तुम पाप आत्मा नहीं हो। कौन तुम माने कौन? तुम किसको कहा? सन्मुख कौन बैठते हैं? रुद्रमाला के बच्चे सन्मुख बैठते हैं या विजयमाला के बच्चे सन्मुख बैठते हैं? पढ़ाई सन्मुख बैठकर कौन पढ़ते हैं? इस्लामी बौद्ध क्रिश्चियन सन्मुख बैठ पढ़ाई पढ़ते हैं या सूर्यवंशी बैठ सन्मुख बैठ पढ़ाई पढ़ते हैं? तो तुम बच्चों ने इतने गुरु नहीं किए होंगे। पाप आत्मा जास्ती गुरु करती है, तो जास्ती पाप किसने किए? राम वाली आत्मा ने या कृष्ण वाली आत्मा ने? हाँ, अरे तुम बच्चे इतने पाप नहीं करते हो, न तुमने इतने गुरु किए, तो सबसे जास्ती गुरु किसने किए? हाँ, ब्रह्मा ने जास्ती गुरु किए, तो जास्ती पाप आत्मा कौन बना? ब्रह्मा ही जास्ता पाप आत्मा बनते होंगे। बहुत रामायण आयत बैठ सुनाते थे, अब तो श्रीमत पर चल रहे, वेद शास्त्र रथ आदि तो पढ़ते आए, ग्रंथ आदि पढ़ते आए। मनुष्य कहते हैं ये वेद शास्त्र अनादि हैं, बाबा कहते हैं अनादि किसको कहते हैं ये जानते हो? क्या सतयुग से लेकर ये शास्त्र आदि थे? ड्रामा को अनादि कहा जाता है, बाकी शास्त्र तो बाद में बनते हैं, फिर भी वो ही शास्त्र बनेंगे। शास्त्र कब बनते हैं? हाँ, शास्त्र तब बनते हैं जब शासन करने की दरकार होती है, और शासन सुधरेलों के ऊपर किया जाता है या अनसुधरेलों के ऊपर किया जाता है? हाँ, जो सुधरे हुए लोग होते हैं उन पर शासन किया जाता है, या जो सुधरे हुए नहीं हैं उन पर शासन किया जाता है? जो सुधरे हुए नहीं है उन पर शासन किया जाता है, और देवताएं तो सुधरे हुए हैं, उन पर शासन करने की बात ही नहीं। वो देवताएं जब द्वापर युग से अनसुधरेले हो जाते हैं तब शास्त्र बनते हैं शासन करने के लिए। तो ये शास्त्र आदि द्वापर से बने हैं, बल मनुष्य कहते हैं अनादि, वो जानते नहीं है कि अनादि किसको कहा जाता है, ये तो बाद में बनते हैं, फिर भी वो ही बनेंगे। ये सब हैं भारत के शास्त्र। बाबा ने समझाया है गीता आदि के ये वेद शास्त्र सब पत्ते हैं, फिर भी वेद वेद करते रहते हैं क्योंकि गीता का मान कम कर दिया है। वेद तो कुछ भी नहीं दिखाते, वापस तो कोई जा नहीं सकता, गीता है माता पिता, बाकी सब उनके बाल बच्चे, बाल बच्चों से वर्षा मिल नहीं सकता। तो बाप आकर सच्ची गीता सुनाते हैं। 5000 वर्ष पहले भी ये ज्ञान और योग सिखाया था और फिर अब सीख रहे हो, भगवान खुद सिखला रहे हैं। कहते हैं 5000 वर्ष पहले भी तुमको ये सिखाया था, जिसको भक्ति मार्ग वाले प्राचीन गीता का ज्ञान और योग कहते हैं वो ही मैं फिर सिखाता हूं। ये प्रभु का द्वार खुल जाता है,
तुम अभी ईश्वर की गोद में बैठे हो, फिर तुम नई दुनिया में देवताओं की गोद में बैठेंगे। अभी ये तुम्हारा अंतिम जन्म है, इसके बाद तुम देवता कुल में जावेंगे। 7 जून 64 की वाणी का 4वां पेज। अगर पापों का बोझा सिर पर होगा तो आसुरी गोद में जन्म लेंगे। यहां स्वर्ग तो है नहीं, बाकी कोई बड़े पवित्र घर में जन्म लेगा, जहां तुम पावन रहेंगे, उस घर को तुम रोशन करेंगे। बाबा का सर्वश्रेष्ठ बच्चा होगा तो उनको कोई ऐसा जन्म थोड़े ही मिलेगा। यहां से संस्कार ले जावेंगे तो कुछ न कुछ कर्तव्य भी करेंगे। बड़े ऊंच कुल में जन्म मिलता है, विनाश होने के बाद थोड़े बचते हैं, उनमें पुण्य आत्मा भी रहते हैं, पाप आत्मा भी रहते हैं। ये क्या बात हुई है? विनाश होने के बाद थोड़े बचेंगे, उन थोड़ों में पाप आत्माएं भी होंगे, पुण्य आत्माएं भी होंगे। तो पाप आत्माओं से नई दुनिया बनेगी क्या? फिर क्या मतलब हुआ? माने रुद्रमाला है पाप आत्माओं की दुनिया। जिन रुद्रमाला के मणकों ने जन्म जान्तर राजाई ली है, राजाई की है, राजाई में रह करके बहुत पाप किए हैं। और विजय माला है पुण्य आत्माओं की दुनिया, जिन भारत की रानियों ने बहुत पवित्रता का पालन किया है। तो पुण्य कमाया है या पाप कमाया है? उन्होंने पुण्य कमाया है, इसलिए वो जन्म जन्मांतर की पुण्य आत्माएं हैं। तो आधी पुण्य आत्माएं और आधी पाप आत्माएं बचती हैं। फिर हिसाब किताब चुकतू करके सतयुग में सब पावन बन जावेंगे। तो हिसाब किताब कैसे चुकतू होगा हैं? बाबा की याद से तो हिसाब किताब चुकतू होगा। ये जो पावन आत्माएं हैं वो नई दुनिया में इकट्ठी हो जावेंगी, और जो पतित आत्माएं हैं वो सारी दुनिया में बिखर जावेंगी रुद्रमाला के मण के, क्योंकि एक धर्म के तो है नहीं। जो जिस धर्म के हैं वो उसी खंड में जाके गिरेंगे और वहां जाके सेवा करेंगे। तो दूसरे धर्म खंडों में विनाश बाद में होगा या पहले होगा? हैं? बाद में विनाश होगा। तो एक तरफ विनाश होता रहेगा और दूसरी तरफ सेवा भी करते रहेंगे। सेवा करते करते जब उनके पाप सब खत्म हो जाएंगे तब फिर बाद में नई दुनिया में आके ऐड होंगे। तो संगम पर कुछ पतित कुछ पावन रहते हैं, फिर पतित खलास हो जाएंगे, फिर पावन ही पावन रहेंगे। अभी तुम सारी सृष्टि को पावन बनाते हो, इसलिए तुम हो सच्चे सच्चे रूहानी पंडित। आत्मा की मैल धोई जाती है। बाप कहते हैं मामे को याद करो तो अंतमते सुगति हो जाएगी। 8 को ही पूरी स्कॉलरशिप मिलती है और वो भी नंबरवार है। क्या ऐसे नहीं पूरी स्कॉलरशिप मिलती है तो उनमें कोई अंतर नहीं होगा, बाकी 108 को थोड़ी सजा खानी पड़ती है। थोड़ी सजा खानी पड़ती है ज्यादा? 108 तो राजा क्वालिटी की आत्मा है ना, तो थोड़ी सजा खाते हैं। धर्मराज बाबा साक्षात्कार करावेंगे, तुम तो वो ही हो ना, तुमको कितना समझाते थे फिर भी तुम हमारे सामने पड़ते थे, हमारी मत नहीं मानी। अब पाप का बोझा सिर पर चढ़ गया। वहाँ ट्रिब्यूनल बैठती है, सब साक्षात्कार होते हैं, फिर उसी समय प्रश्नावली होती है, परंतु फिर कर ही क्या सकते हैं। वहां रिश्वत आदि तो कोई की चल नहीं सकती है, धर्मराज है सुप्रीम जस्टिस, सब साक्षात्कार कराते रहते हैं। बड़े बड़े अन्यायी अजामिल जैसे पापी सब यहां ही होते हैं। बाबा बहुत अनुभवी है, कोई कोई के बच्चे ऐसे गंदे होते हैं, 1 वर्ष में ही करोड़ों उड़ाए देते हैं।
बाप कहते हैं बड़े अजामिल तो यहाँ बनते हैं, जो यहाँ हमारा बन करके आशीर्वाद सुनंती कथंती अहो माया भागंती हो जाते हैं। तो समझा जाता है ये बड़ा अजामिल था, बहुत मैला कपड़ा होता है तो उनको सटकते सटकते फिर फट पड़ता है। ऐसे बहुत होते हैं, हुए हैं और बहुत होंगे, बेहद की बाप की मत पर नहीं चलते हैं तो ऐसा हाल होता है। बाप कहते हैं मेरी दाढ़ी को देखो, तुम पवित्र बनो, तुमको पवित्र दुनिया का मालिक बनाऊंगा। पवित्र नहीं बनते हैं तो कहेंगे ये तो कोई नालायक है, फिर तो धर्मराजपुरी में हड्डी हड्डी तोड़वाऊंगा। कोई तो झट प्रतिज्ञा कर लेते हैं, ब्लड से भी लिख करके देते हैं, कोई फिर कहते हैं पुरुषार्थ करूंगा। अरे बाप कहते हैं अभी प्रतिज्ञा करो, फिर करूंगा गा क्यों। यहां से बाहर गया माया नाक से पकड़ लेती है। कोई तो कहते हैं बाबा आपकी बात तो बरोबर ठीक है, फिर कहते हैं अच्छा सोच करूंगा, शर्म नहीं आता है। बाबा तो कोई कोई भी झट नाक से पकड़ लेते हैं। अगर क्रोध का भूत होगा तो फिर स्वर्ग के मालिक कैसे बनेंगे। बाबा ऐसे नहीं कहते बच्चों आदि की शर्म संभाल मत करो, सब कुछ करो परंतु श्रीमत पर चलो। बाबा अच्छे काम में अलाउ करेगा, अगर कुछ पाप कर लिया तो दान करने वाले पर पाप चढ़ जाता है। मंजिल है श्रीमत पर चलने से ही श्रेष्ठ बनेंगे, श्रीमत से ही विश्व के मालिक बनते हो। यहाँ प्रतिज्ञा की तो मदद भी मिलेगी, हिम्मत है बच्चे मदद है बाप, फट से प्रतिज्ञा करनी होती है, फिर डर रहता है हमने कसम उठाया है। बच्चा ही न बनेगा तो फिर मदद कहाँ से मिलेगी, सौ तो इलों को थोड़ा ही मदद मिलती है, मातेले को मदद मिलेगी। तुमको बाप से 21 जन्मों के लिए हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस मिलती है श्रीमत पर चलने से। कोई के पास सिर्फ हेल्थ है वेल्थ नहीं है तो फिर किस काम की। कोई के पास हेल्थ है वेल्थ नहीं है तो काम का है ही नहीं। यहाँ तो तुमको सब कुछ मिलता है। अच्छा बेटे बेटे सीखे बच्चों को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, ओम शांति।